नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, दोस्तों हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में दोस्तों यहाँ पर देखिये बार ट्राम्बे में दो अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिये स्क्रीन इन और आउट लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 R1 में दोस्तों फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनका यहाँ पर देखिये जिनका की पोस्ट था साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी का, तो इनका स्क्रीन इन और आउट लिस्ट दोस्तों आउट हो चुका है। और दोस्तों देखिये अब आप लोग जो भी हैं बार्क के स्टूडेंट, अब सभी लोगों का एग्जाम धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब बार्क यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर देखिये यहाँ पर स्क्रीन इन लिस्ट दिया है और ऊपर दिया है स्क्रीन आउट लिस्ट, तो इस पर आपको रेड वाले पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका जो नोटिस है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया एग्जाम डेट भी जारी किया गया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स स्क्रीन इन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी DR02 अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 R1, ठीक। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी जिसका की दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे पोस्ट कोड था DR02, ठीक, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2022 R1 था। इसका दोस्तों अब रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों जो होना है 13 फरवरी 2023 को होना है। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ हर रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों 2 PM है, यानी कि दोपहर में 2 बजे है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 अणुशक्ति नगर ट्राम्बे मुंबई 4094 महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का दोस्तों ये एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों एक चीज यहाँ पर चेक करिएगा कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड विथ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विथ द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी दोस्तों यहाँ पर है स्टूडेंट आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, टर्मिनल एंड सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी आपको लेकर जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट का। कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ फाउंड इन एलिजिबल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जो मैंने आपको बताया जैसे कि एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंटआउट भी चाहिए। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर आपको जाना पड़ेगा और सेल्फ टेस्टेड कॉपीज भी और सर्टिफिकेट ये सब कुछ आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक। और दोस्तों अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म का उसका तो दोस्तों मैं अलग से वीडियो बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, बस आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आपका बाई चांस खो गया है तब तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और ऊपर से फॉर्म कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप लोगों को प्रिंट आउट खो चुका है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। और देखिए प्लीज नोट दैट एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज नेसेसरी टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन इन केस ऑफ यू आर सर्विंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और देखिए एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। तो देखिए 3 फरवरी 2023 से दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट होगा। उसमें दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का प्रयोग करके दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड 3 फरवरी 2023 से अपना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपका है और यहाँ पर दोस्तों आपका नाम दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है स्क्रीन इन लिस्ट क्या होता है दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग बता दूं। तो देखिए दोस्तों बार्क के जो भी स्टूडेंट है जो भी लोग फॉर्म भरते हैं तो उनका देखिए अगर फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो उनको दोस्तों स्क्रीन इन लिस्ट में रखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिए ये स्क्रीन इन लिस्ट है, तो जो भी स्टूडेंट का फॉर्म सही तरीके से भरा गया है और उनको बार के ने एलिजिबल किया है एग्जाम देने के लिए तो उनका नाम दोस्तों स्क्रीन इन लिस्ट में रखा जाता है, ठीक। तो ये देखिए ये सब कैंडिडेट इनका फॉर्म काफी अच्छे तरीके से भरा गया था, अब ये सब स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पर टोटल देखिए 629 लोग यहाँ पर फॉर्म भर मतलब यहाँ पर एक्सेप्टेड है और 629 लोग एग्जाम देने पाएंगे, ठीक। अब देखिए जो भी स्टूडेंट है जिनका की नाम है स्क्रीन आउट लिस्ट में तो उनका आउट लिस्ट भी यहाँ पर जारी किया गया, तो आपको रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों स्क्रीन आउट लिस्ट में उन कैंडिडेट का नाम होता है जिनका की फॉर्म गलत हो गया रहता है या किसी कारण रिजेक्ट हुआ रहता है, ठीक। देख सकते हैं फाइनल स्क्रीन आउट लिस्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी पैथोलॉजी DR02 एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर दिया गया है, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फुल नेम और दोस्तों किस कारण से आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ
इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं कि जैसे कि मैं पहले स्टूडेंट का बता दूं तो इनका नाम है समृद्धि समृद्धि साप्ते, तो समृद्धि साप्ते हैं, तो इनका डुप्लीकेट आप इनका डुप्लीकेट फॉर्म भरा, यानी कि एक बार भरे थे तो दोबारा फॉर्म भरा गया था, तो हो सकता है पहला वाला एक्सेप्ट कर लिया गया हो, जो रिजेक्ट हुआ है उसका यहाँ पर ये डाल दिया गया है। और देखिए दूसरा है जैसे कि इनका, तो देखिए पीरियड आप DMLT नॉट क्लियर है और रिजेक्टेड एज BSc सेकंड क्लास। और देखिए ऐसे आपका दोस्तों BSc जो ओनली फॉर 2 ईयर, तो ऐसे दोस्तों ये जो भी कैंडिडेट हैं किसी कारण से किसी ना किसी कारण से इनको रिजेक्ट किया गया है, तो ये सब उनका कारण भी और रीजन ये सब कुछ जो है ये दिया गया है। ऐसे 56 स्टूडेंट है जिनका की फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक, अगर दोस्तों आप देख सकते हैं तो ये हो गया स्क्रीन आउट लिस्ट का। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट हैं दोस्तों बार्क के स्टूडेंट हैं, आप लोग करिएगा क्या कि यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक, आपको दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और जो भी बार्क के स्टूडेंट हैं इसी ग्रुप में सभी लोग हैं, और आप लोगों का कोई भी डाउट हो दोस्तों आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, और ऑब्जेक्टिव सेंटर सही सही नाम देख लीजिए, इसी नाम से आपको सर्च करना है। ठीक, अगर दोस्तों आपको ग्रुप में नहीं रहने की इच्छा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ये टेलीग्राम चैनल है इसमें सिर्फ मैं ही मैसेज कर पाऊंगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सारी जानकारी जो आपको ग्रुप में मिलती है मेरे द्वारा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिलेगा। ठीक, सेम चीजें सेम पोस्ट होता है मेरे द्वारा यहाँ पर, तो आपको करना है कि यहाँ पर देखिए फाइल होम पेज पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर दोस्तों नीचे जाइएगा, यहाँ पर देखिए फाइल्स वाले सेक्शन में, फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बार्क का भी और अदर पोस्ट का भी, यहाँ पर अदर अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सब मैं डाल रखा हूँ। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट हैं अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और जो भी स्टूडेंट हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोगों का दोस्तों एग्जाम तो पता ही चल गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो कब होना है, तो देखिए यहाँ पर 3 फरवरी है ना, शायद 3 फरवरी ही है, तो आपको दोस्तों उस डेट में आपको सॉरी 13 फरवरी है। ठीक, देख सकते हैं 13 फरवरी 2023 को आपका पेपर होना है, तो आप लोगों का डेट भी निर्धारित हो गया टाइम भी निर्धारित हो गया, और एडमिट कार्ड दोस्तों आपका कब आएगा तो 3 फरवरी को आएगा। ठीक, तो 10 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है इसको मैं बता दूंगा, बस आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।